वेलकम गाइस, मैं हूं राणा प्रिंस और मेरे साथ आप देख रहे हैं पाक्सी ओसी लवर। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक वीडियो शेयर करूंगा जो कि आप देख के पहले भी हैरान शायद हो गए तो, लेकिन जो है अब तो हैरान होंगे क्योंकि हमने जो है वार डिफीट की है हाइब्रिड अटैकर के साथ। और इस वक्त मैं पाकिस्तान के क्लैन में हूँ जो कि टॉप रैंकिंग में रहता है, वो भी मैं आपके साथ आपको दिखाऊँगा और क्लैन बैनर सारा कुछ आपको दिखाऊंगा और जो है उनके अटैक्स भी दिखाऊंगा। हाइब्रिड अटैकर्स जो हैं अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं और TR-13 पे ज़्यादा हाइब्रिड अटैक्स ही होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उस वीडियो की तरफ ले जाने से पहले, नए आने वाले दोस्तों से और काइंडली जो मेरे साथ पहले ही हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। मुझे आपके दोस्तों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि मेरा चैनल जो है वो अब काफ़ी देर होगी यहाँ पे ही रुक गया, ऊपर नहीं जा रहा। तो यार ये आपकी सपोर्ट के बिना नहीं होगा, आप जो है काइंडली सपोर्ट करें यार, ठीक है। लाइक्स वगैरह का मैं नहीं कहता यार, बस आप ये कह दिया करेंगे बस यार आगे से आगे शेयर कर दें, व्यू जो है वो बढ़ जाए, बाकी लाइक्स खुद ही आ जाएंगे। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक भी कर दें वो बात का मसला है, लेकिन जो है अभी मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ आज की। तो क्लैन बैनर में मैं आपको माई क्लैन चेक करा देता हूँ। पाकिस्तान के नेम से क्लैन है, ऑफिशियल पाकिस्तान वार क्लैन है जी ये। यूज बोथ पैक इन वार, डोंट आस्क फॉर प्रमोशन। ओहो, प्रमोशन के बारे में आपने जो है कुछ बात नहीं करनी क्योंकि जब भी आपने प्रमोशन मांगी तो यहाँ से बाहर जा के मारे जाओगे, ठीक है। उसके बाद लोकेशन इसकी है पाकिस्तान की, टोटल पॉइंट्स हैं 48,994, ठीक है। ये तो हो गए जी होम बेस के, और 45,127 ये बिल्डर बेस के। इनवाइट ओनली, आपने सिर्फ इनवाइट करना है। तो क्लैन टैग आपके सामने है, क्लैन टैग अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो है स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक हस्ती है जिसके बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा, यासीन फरीदी। नंबर 8 पे है, 5102 इनकी ट्राफी है और ये मेरे मुर्शिद हैं, मेरे सर हैं, मेरे उस्ताद हैं, ठीक है। इनकी वजह से मैं आज इस क्लैन में हूँ और जो है ये सऊदी अरब से हैं माशाल्लाह और अल्लाह के घर के पास ही रहते हैं। तो उम्मीद है कि हम भी जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मुसलमानों के लिए है और जो है जो मोहब्बत रखते हैं वहाँ पे जाने के लिए उनके लिए। तो ये मुर्शिद हैं, मेरे सर हैं, मेरे उस्ताद हैं, तो इनकी वजह से मैं इस क्लैन में हूँ और जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। अब चले हम चलते हैं अपने अटैक्स के बारे में, और क्लैन का भी आपको दिखा दिया और क्लैन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा, टैग दे दूँगा आपको, आप इन्हें अगर विजिट करना हुआ आप इनके अटैक देखिएगा, आप जो है बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। लेकिन फिर भी जो है वार हम बहुत बुरी तरह हारे, चले चलते हैं। तो ये रहा जी वो वार जो हम हारे हैं बहुत बुरी तरह, हमारे 67 स्टार से 38 स्टार, बाकी जो है यार अटैक नहीं किए लड़कों ने क्योंकि अगर अटैक करते तो ये हमारा बराबर हो जाना था मैच जो है बराबर हो जाना था। तो हम चले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चले गाइस हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। राणा अरसलान जो है हमारे नंबर 1 पे हैं प्लान में, तो नंबर 3 ने इनके ऊपर अटैक किया और जो है ये बेस जो आपके सामने है, मैं ज़्यादातर इसको जो है इस्तेमाल करता हूँ NT3 स्टार के तौर पर, लेकिन जो है उन जालिमों ने इसको भी बीट कर दिया। और जो है दूसरी बात ये कि कोई भी बेस जो है वो ऐसी नहीं है जो कि 3 स्टार नहीं होती, हर बेस जो है 3 स्टार होने के लिए बनी है, लेकिन जो है उसको टाइम लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। जो है हाइब्रिड अटैक जब आप करते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए डोनेशन पे, और डोनेशन के बाद ईकल जो है वो इतना डिस्ट्रक्ट नहीं करता जितना कि आपको डिस्ट्रक्ट करता है स्कैटर शॉट। अगर आप जो है दोनों स्कैटर शॉट को ले लेते हो तो आपका अटैक सिंपली बहुत इजीली जो है वो 3 स्टार हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने इस्तेमाल किए 4 बलून और इसके साथ कम्बिनेशन उन्होंने इस्तेमाल किया है हाइब्रिड का, और जो है अगर आप देखें तो इन्होंने होक्स बहुत ही कम इस्तेमाल किए हैं। तो इनके क्वीन चार्ज का ये वाला साइड जो है इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि उन्होंने स्कैटर शॉट लेना था, डोनेशन लेनी थी, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक और बहुत ही पैड़ी चीज़ पड़ी हुई है वो है क्वीन,
उन्होंने क्वीन भी लेनी थी, ठीक है। और उन्होंने जो है इजीली इसको भी कर लिया। हम 2x पे इसको देख लेते हैं। तो वही हुआ जो मैंने आपको कहा था कि उन्होंने स्कैटर शॉट को लेना था, क्वीन को लेना था, उसके बाद उनका जो है आर्मी वाला पोर्शन शुरू हो गया। अगर आप एक और चीज़ गौर करें तो इन्होंने जो है वो इस्तेमाल नहीं की अपनी मशीन, सीज बैरक जो है इस्तेमाल नहीं की, वो हम देखेंगे आगे जाके कि इन्होंने किस लिए जो है इसको छोड़ा। ये आपको 2x के ऊपर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो है अटैक जल्दी हो जाए। तो चलें, हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो ये रही जी, बैरक की हम बात कर रहे थे कि बैरक को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, यहाँ पे चूँकि थोड़ी सी साइड पड़ी हुई थी इसी वजह से उन्होंने कहा जी हमने यहाँ से उसको चार्ज नहीं करवाना, वॉक नहीं करवाना, आगे से करवाना। तो उन्होंने वो ही सारा कुछ किया। वो जो है रॉयल चैम्पियन ने भी बहुत ही अच्छा काम किया। रॉयल चैम्पियन यार मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो यार लाइक करें यार। नेक्स्ट हीरो स्किन जो है हमें मिल रही वो रॉयल चैम्पियन की ही मिल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 6 को छोड़ के हम अब देखेंगे नंबर 8 का। सभी पे उन्होंने जो है इस्तेमाल किए हैं हाइब्रिड अटैक की। और जो मैं सेंटर थोड़े थोड़ा जो है वक्फे के साथ आपको दिखाऊंगा सारे अटैक जो है, ताकि सारी वीडियो जो है कवर हो जाए। तो ये 8 नंबर वाला हमने शुरू किया, तो ये कामरान जट के नेम से है आईडी, और एसटीटी के नंबर 25 में इसके ऊपर अटैक किया। पहले से भी उन्होंने अटैक करते रहे लेकिन जो है वो क्लियर नहीं हुई, लेकिन 25 का लक अच्छा था और जो है उस पर 8 नंबर का हमारी तरफ से लक बहुत लो था, उस वजह से क्लियर हो गई बेस। लेकिन यार अगर आप देखें इस बेस को तो आपको ये भी एंटी 3 स्टार ही लगेगी कि आपने जो है कौन सी साइड चूज करनी है। आप तो पहले यही सोचते रहते हो, उसमें टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो है उन्होंने यार अच्छे अटैक किए। एसटीटी चाइना का क्लाइन है तो चाइना ने यार अखीर कर दी इस टैक्स में। तो ये भी हम 2x पे कर लेते हैं इसको भी। तो ये उसने सुपर वॉल ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं 4, वो इसलिए कि इसमें भी उसने वही सेम चीज़ दोहराई है कि स्कैटर शॉट लिया और नहीं क्वीन बाहर निकल गई उसकी। तो यहाँ से उसने उसकी आर्मी आ गई है, ठीक है, सही जा रही आर्मी तो ठीक जा रही है उसकी। आर्मी मर गई थी वैसे, लेकिन जो है फिर भी लक काम कर गया उसका और जो है वो इजीली 3 स्टार हो गया। यार ये हाइब्रिड अटैकर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अटैक्स करते हैं। आप जो है अगर TH-13 पे कोई भी आर्मी आपके पास जो है इस्तेमाल नहीं हो रही सही तरीके से, और आप जो है एक दफ़ा क्वीन चार्ज के साथ हाइब्रिड बनाएं, आपको मज़ा आएगा यार इस स्ट्रेटजी का। तो यार इस क्लैन की एक जो है अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो है सारे के सारे TH-13 लेने होते हैं, सारे के सारे TH-13 ले ही लेते हैं, और जो है मैक्स आउट सारी बेसिस होती हैं, और जो है उन्होंने स्टार्ट करनी होती है War 30 की, जिससे जो है अच्छा कम्बिनेशन भी मिल जाता है और सभी मेंबर जो है अगर अटैक करें तो 90-90 स्टार्स निकल आते हैं। लेकिन जो है ये सारा आपका डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। अब हम नंबर 16 को देख लेते हैं, उसके ऊपर भी नंबर 10 ने अटैक किया है। STT के नेम से क्लैन है, और यार मुझे एक समझ नहीं आती कि इन्होंने होग बहुत कम इस्तेमाल किए हैं। होग यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं जी 8, और माइनर इन्होंने इस्तेमाल किए हैं 16। ये रहा उसका CC, ये नंबर 1 एम्पायर के नेम से है आईडी। देखते हैं इसको किस साइड से उसने ये साइड चूज किया, और अभी तक हीलर्स नहीं आई, ये पता नहीं क्या मसला भूल गया मुझे लगता है, लेकिन नहीं वो भूला नहीं है। जब उसकी
ज़रूरत होगी फिर वो जो है हीलर आ जाएगी। तो ये देखे नाम लिया स्थान है हीलर आ गई। नंबर 2x पे हम करके इसको देखते हैं यार, इसने डोनेशन का अभी तक क्यों नहीं कुछ किया, इस बात की समझ नहीं आई, लग जाएगी। ये अटैक उसने स्टार्ट किया और ईगल भी ले लिया, स्कैटर शॉट भी ले ली और इसके साथ ही साथ क्वीन भी ले ली उसने। तो यहाँ से उसका सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो गया। इसके इस्तेमाल ये सारे के सारे अपनी हाइब्रिड आर्मी जो है अच्छा जा रही है, अच्छी जा रही है यहाँ तक तो अच्छी जा रही है, बाकी आगे का पता नहीं। यार डोनेशन या तो इस बंदे के पास थी नहीं, ओ डोनेशन निकल गई, लेकिन उसने इस्तेमाल कर दिया इसके ऊपर मैक्स आउट पॉइजन। और यार आप देखोगे ये कैसे जो है मिनटों में जो है बेस क्लियर होगी। बहुत अच्छे अटैकर हैं यार ये भी, इंडिया कह दिया चाइना के ये अटैकर्स हैं। अब मैं आपके साथ लाइव भी अटैक शेयर किया करूँगा, वो भी आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये इतनी वीडियो काफ़ी है। तो यार काइंडली यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक कर दिया करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। और मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह ने के बाद।